था। सीमित, परिमित और अनहद असीमित अनंत की अवधारणाएं सीमाओं और असीमता के विषयों के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं, और इन विषयों को पूरे सिनेमाई इतिहास में विभिन्न तरीकों से खोजा गया है। पिछले 5000 वर्षों में फिल्मों में इन अवधारणाओं को कैसे चित्रित किया गया है, इसका संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया गया है। प्राचीन युग 5000 ईसा पूर्व 500 ईस्वी। प्राचीन सभ्यताओं में कहानी सुनाना अक्सर मिथकों और किंवदंतियों के इर्द गिर्द घूमता था, जो मानव क्षेत्र और दैवीय या अलौकिक के बीच संबंधों का पता लगाते थे। इन कहानियों में अक्सर था कि अवधारणा को मनुष्यों द्वारा सामना की जाने वाली सीमाओं और चुनौतियों के माध्यम से दर्शाया गया था, जबकि अनहद को देवताओं या प्रकृति की शक्तियों की असीमित शक्ति और रहस्य द्वारा दर्शाया गया था। मध्यकालीन युग 500 ई 1500 ई। मध्ययुगीन काल के दौरान धार्मिक आख्यान कहानी कहने पर हावी थे, और फिल्में अक्सर ईश्वरीय कानूनों द्वारा शासित एक सीमित निर्मित दुनिया में विश्वास को प्रतिबिंबित करती थी। था कि अवधारणा को अक्सर पाप और प्रलोभन के खिलाफ मानवता के संघर्ष के माध्यम से चित्रित किया गया था, जबकि अनहद को भगवान के असीम प्रेम और दया द्वारा दर्शाया गया था। पुनर्जागरण और ज्ञानोदय 1500 ई 1800 ई। पुनर्जागरण और ज्ञानोदय के साथ मानवतावादी और तर्कवादी दृष्टिकोण की ओर बदलाव आया। फिल्मों ने प्राकृतिक दुनिया की विशालता और मानव बुद्धि की क्षमता का पता लगाना शुरू किया था कि अवधारणा को अक्सर मानवीय ज्ञान और समझ की सीमाओं के माध्यम से चित्रित किया गया था, जबकि अनहद को वैज्ञानिक खोज और कलात्मक अभिव्यक्ति की असीमित संभावनाओं द्वारा दर्शाया गया था। आधुनिक युग 1800 ई। वर्तमान आधुनिक युग में फिल्मों ने मानव मनोविज्ञान, सामाजिक संरचनाओं और प्रौद्योगिकी के प्रभाव की जटिलताओं को उजागर किया है। था कि अवधारणा को अक्सर व्यक्तिगत दृष्टिकोण, सामाजिक मानदंडों और तकनीकी प्रगति की सीमाओं के माध्यम से चित्रित किया जाता है, जबकि अनहद को व्यक्तिगत विकास, सामाजिक परिवर्तन और तकनीकी नवाचार की असीमित क्षमता द्वारा दर्शाया जाता है। साइंस फिक्शन और फैंटेसी विज्ञान कथा और फैंटेसी फिल्में अक्सर कल्पना की सीमाओं को आगे बढ़ाती हैं। ब्रह्मांड की विशालता, वैकल्पिक वास्तविकताओं और कृत्रिम बुद्धि की क्षमता की खोज करती हैं। था कि अवधारणा को अक्सर अंतरिक्ष की विशालता, समानांतर ब्रह्मांडों के अस्तित्व और मशीनों द्वारा मानवीय सीमाओं को पार करने की क्षमता से चुनौती दी जाती है। अनहद अन्वेषण, खोज और परिवर्तन की असीमित संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। अस्तित्वपरक और दार्शनिक फिल्में। अस्तित्ववादी और दार्शनिक फिल्में अक्सर अस्तित्व, अर्थ और वास्तविकता की प्रकृति के सवालों से जूझती हैं। था कि अवधारणा पर अक्सर मृत्यु दर, अर्थ की खोज और मानवीय धारणा की सीमाओं के सामने सवाल उठाया जाता है। अनहद चेतना की असीम संभावनाओं, सत्य की खोज और अतिक्रमण की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। पूरे सिनेमाई इतिहास में फिल्म निर्माताओं ने मानवीय स्थिति, ब्रह्मांड की विशालता और कल्पना और अस्तित्व की असीमित संभावनाओं का पता लगाने के लिए हद और अनहद की अवधारणाओं का उपयोग किया है। ये विषय आज भी दर्शकों के बीच गूंजते रहते हैं, क्योंकि हम अपनी सीमाओं से जूझ रहे हैं और अपने आसपास की दुनिया के अनंत रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हद और अनहद की अवधारणाएं भारतीय दर्शन में, विशेषकर वेदांत और योग की परंपराओं में गहराई से निहित है। था का तात्पर्य उस चीज से है जो परिमित, सीमित और समय और स्थान से बंधी है। इसमें भौतिक संसार, हमारे भौतिक शरीर और इंद्रियों का क्षेत्र शामिल है। इसके विपरीत अनहद असीम, असीम और शाश्वत का प्रतीक है। ये शुद्ध चेतना के दायरे, हमारे अस्तित्व के अपरिवर्तनीय सार और सभी रूपों और सीमाओं से परे अंतिम वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता है। सिनेमा के संदर्भ में हद और अनहद के अंतर संबंध को विभिन्न विषयों और आख्यानों के माध्यम से खोजा जा सकता है। फिल्में मानवीय अनुभव में गहराई से उतर सकती हैं। था दायरे के भीतर हमारे सीमित अस्तित्व के सुख और दुख, संघर्ष और जीत को पकड़ सकती हैं। साथ ही वे इन सीमाओं को पार भी कर सकते हैं, जो मानव आत्मा की असीमित क्षमता और अनहद आयाम का अनुभव करने की संभावना की ओर इशारा करते हैं। सिनेमा के पूरे इतिहास में कई फिल्मों ने इस परस्पर क्रिया को विविध तरीकों से खोजा है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। अकीरा कुरोसावा द्वारा लिखित इकिरू 1952, ये जापानी उत्कृष्ट कृति एक असाध्य रूप से बीमार नौकर शाह की कहानी है, जो आत्मखोज की यात्रा पर निकलता है और अपने शेष दिनों में अर्थ पाता है। फिल्म में नायक के रोजमर्रा और सामाजिक अपेक्षाओं से बंधे जीवन से करुणा, प्रामाणिकता और सांसारिक से परे कुछ की खोज को अपनाने वाले जीवन में परिवर्तन को मार्मिक ढंग से चित्रित किया गया है। टेरेंस मेलिक द्वारा द ट्री ऑफ लाइफ 2011, ये दृश्यात्मक रूप से आश्चर्यजनक और गहरी दार्शनिक फिल्म 1950 के दशक में टेक्सास के एक परिवार की कहानी को ब्रह्मांड की विशालता और जीवन की उत्पत्ति के साथ जोड़ती है। यह अस्तित्व की विशालता के बीच हानि, अनुग्रह और अर्थ की खोज के विषयों की पड़ताल करता है। रॉन फ्रिक द्वारा समसारा 2011, ये गैर कथा वृत्तचित्र फिल्म दर्शकों को दुनिया भर में एक मंत्रमुग्ध यात्रा पर ले जाती है, जो मानव संस्कृतियों और प्राकृतिक परिदृश्यों की सुंदरता और विविधता को दर्शाती है। संवाद या पारंपरिक कहानी के बिना फिल्म परस्पर जुड़ाव और अस्तित्व की असीमित प्रकृति की भावना को उजागर करती है।
ये केवल कुछ उदाहरण है कि कैसे सिनेमा हद और अनहद की अवधारणाओं में गहराई से उतर सकता है, सीमित और अनंत, सीमित और असीम की खोज कर सकता है। मनोरम कहानियों, आकर्षक दृश्यों और विचारोत्तेजक विषयों के माध्यम से फिल्में हमें हमारे रोजमर्रा के जीवन की सीमाओं से परे ले जा सकती हैं और हमारे भीतर और आसपास मौजूद विशालता की झलक पेश कर सकती हैं।